हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को ठंड से बचाने तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, आज मैं आपको घर में ही एक ऐसा चमनप्राश बनाना बताऊंगी जिससे न केवल आपके बच्चे ठंड से बचे रहेंगे बल्कि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चमनप्राश बनाने के लिए मैंने 1 किलो आंवला लिया है। ये बड़े बड़े आंवला, इन्हें मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब एक स्टीमर में मैंने पानी गर्म होने रखा है, इस पर हम एक छलनी लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमें अपने आंवला को स्टीम में ही गलाना है, हमें इसे उबालना नहीं है जिससे इसके विटामिन इसमें बने रहे। अब इसके ऊपर अपने सारे आंवला रख देंगे। देखिए, मैंने अपने सारे आंवला रख दिए हैं। अब इसे ढक कर थोड़ी देर स्टीम में पकने देंगे। कुछ देर बाद देखिए मेरे आंवला अच्छे से स्टीम में पक गए हैं। ये फॉक लगाने पर देखिए बिल्कुल आराम से गल गए हैं, आराम से टूट रहे हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए मेरे आंवला ठंडे हो गए हैं। इसमें इसे हम तोड़ लेंगे और इसमें से सारी फाके निकाल लेंगे और ये बीज बिल्कुल बीज अलग कर देंगे। इसी तरीके से सारे आंवला को हम तोड़ लेंगे। देखिए कितने आराम से हमारे आंवला अलग हो रहे हैं और बीज सारे अलग हो गए हैं। ये देखिए सारे बीज अलग हो गए हैं। अब इस आंवला को मिक्सी के जार में डालकर हम एक महीन पेस्ट बना लेंगे। एक बार में जितने आंवला पिस जाए उतने ही डाल देंगे। ये देखिए मैंने अपने सारे आंवला का एक महीन पेस्ट बना लिया है। अब एक प्लेट में मैंने 50 ग्राम मुनक्के और 50 ग्राम खजूर लिए हैं। इनमें से मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये मैंने छुआरों में से भी बिल्कुल गुठलियाँ निकाल दी हैं और खजूर में से भी बिल्कुल गुठलियाँ निकाल के अलग कर दी हैं। ये एक कटोरी मैंने तुलसी के पत्ते और 50 ग्राम अदरक ली है। चार ग्राम मैंने अंजीर लिए हैं। इन सभी को मिलाकर एक महीन पेस्ट बना लेंगे। एक बार में जितनी चीजें पिस जाए उतने हमें बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है। तुलसी के पत्ते, अदरक या इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे और एक महीन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल महीन पेस्ट बना लिया है सभी चीज़ों का। इसको उठाकर अलग रख देंगे। अब एक प्लेट में मैंने 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम अखरोट गिरी और 50 ग्राम काजू लिए हैं। इन्हें भी हम महीन पीस लेंगे। ये देखिए मैंने अपने काजू, बादाम और अखरोट को महीन पीस लिया है। अब एक प्लेट में मैंने 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च, 8 से 10 तेज पत्ता, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग और 1 चम्मच पीपली ली है। इन्हें भी हम महीन पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप गरम मसालों की क्वांटिटी बड़ा घटा भी सकते हैं। अब एक पैन में मैंने 2 चम्मच घी लिया है, देसी घी लिया है। इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे।
ये देखिए मेरा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम अपने आंवला ऐड कर देंगे। और इसे कुछ सेकंड के लिए हम घी में भून लेंगे। अब इसमें मैंने 1 किलो ये गुड़ लिया है। 1 किलो आंवला के साथ 1 किलो गुड़ ही लेंगे, क्योंकि इसका आंवले का टेस्ट कुछ सीटा सीटा सा होता है, इसलिए हमें गुड़ की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल रखनी है। गुड़ को अच्छे से आंवला में मेल्ट करना है हमें। अपने गुड़ को आंवला के अंदर मिला देंगे अच्छे से। देखिए कुछ सेकंड में ही मेरा गुड़ मेल्ट होने लगा है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत अधिक बबल्स उछलते हैं, इसलिए हमें ध्यान से काम करना है। अब इसमें मैंने जो ये तुलसी, अदरक और छुआरे, मुनक्के और अंजीर का पेस्ट बनाया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके चलाते रहेंगे। देखिए कुछ सेकंड बाद ही मेरे चमनप्राश का कलर बिल्कुल बाजार की तरह आने लगा है। अब इसमें हम अपने पिसे हुए गरम मसाले ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरीके से चमनप्राश में मिला देंगे। फ्रेंड्स, इस चमनप्राश को हम लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने सिल्वर के पैन में बनाया है। देखिए मेरा चमनप्राश धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम अपने पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी मन के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। ये घर में बना रहे हैं हम, इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या किसी की भी क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। अब एक कटोरी में हम किसी भी कंपनी का अश्वगंधा, 2 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 2 चम्मच शतावरी चूर्ण ले लेंगे। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और ये देखिए मेरा चमनप्राश भी गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम ये अपना दोनों चूर्ण डाल देंगे। फ्रेंड्स ये सर्दी खांसी में बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। देखिए धीरे धीरे मेरे चमनप्राश का कलर बिल्कुल बाजार के चमनप्राश की तरह होता जा रहा है। अब इसमें 8 से 10 केसर के धागे डाल देंगे। और सबसे बाद में इसमें 2 चम्मच देसी घी और ऐड कर देंगे। टोटल मैंने 5 चम्मच देसी घी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा चमनप्राश कितना गाढ़ा हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी अधिक गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा चमनप्राश बिल्कुल बाजार के चमनप्राश की तरह हो गया है और ये बहुत ही अधिक इफ़ेक्टिव है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए।